नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेप सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 26 फरवरी 2020 के लिए मैंने इक्विटी का स्टॉक चुना है और इसका बाय लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। तीनों सेटअप बाय लेवल एंड सेल लेवल, पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, टीरन लेवल, प्राइस चैनल, ये सब दिखाऊंगा। उसके बाद 100 डे स्ट्रेटजी, GMM स्ट्रेटजी और इंसेंट द बार, NR4 NR7 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और जो बहुत सारा चार्ट का सेटअप है मेरा यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसको और भी मैंने वीडियो बनाते रहूँगा, चार्ट का स्ट्रैटेजी और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजी जो एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस जो आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। और इसको से इसलिए इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग को वीडियो लोड होने के बाद ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसका ये बाय लेवल सेल लेवल कम स्क्रीनर को कैसे स्क्रीन करना है, क्या इसमें क्या क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आएगा इसको क्या, इसमें क्या क्या है, क्या इसका इफेक्टिवनेस क्या है और कैसे यूज़ करना है। तो देखा आज का जो वीडियो है और आज का जो बाय लेवल सेल लेवल मैं दिखाता हूँ और मैंने बाय लेवल सेल लेवल कम स्क्रीनर पर शेयर करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो सकता है फ्री ट्रायल के लिए। अब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे फाइल पूरा शेयर करता हूँ और लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ। और इसका लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा ताकि आप लोग देख सकता है जो इसमें क्या क्या रहता है और कब से को कैसे काम पे आ सकता है। और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। और तो शुरू करते हैं। मैंने बाय लेवल सेल लेवल 3 भी अलग से, मैंने बाय लेवल सेल लेवल कम स्किनर बनाता हूँ और बाय लेवल सेल लेवल 3 को अलग से बनाता हूँ। ये वीडियो आप लोग सब वीडियो आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को पता चल जाएगा। बाय सेल लेवल थ्री में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड में बाय सेल लेवल रखा हूँ। अप ट्रेंड में बाय सेल लेवल और डाउन ट्रेंड में बाय सेल लेवल, तो क्योंकि रिट्रेसमेंट को कंसीडर किया है। जब अप ट्रेंड जब और भी ऊपर जाएगा और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड जब रिट्रेस होकर नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड जब और भी ऊपर जाएगा और डाउन ट्रेंड जब और भी नीचे आएगा, और इसमें कौन सा लेवल में कौन सा है देख आप लोग देख सकते हैं। और ट्रेंड भी इधर से आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देखिए और प्रीवियस डे हाई लो क्लोज के साथ करेंट मार्केट प्राइस का देख सकते हैं। तो इसके लिए तो मैंने बाय लेवल से लेवल का वन दिखाता हूँ। इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ, सेल का एंट्री लेवल भी ऐसा है, टारगेट वन से लेकर टारगेट वन फोर बाएँ तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ। और इसको गैप अप और गैप डाउन को कंसिडर करना है, मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे है वो आप लोग को देख लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से एंट्री लेना है। आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिए, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। और ये है बाय सेल लेवल टू, ये भी आप लोग यूज़ कर सकता है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकता है। और इसके बाद बाय लेवल सेल लेवल थ्री, ये है बाय लेवल्स एंड सेल लेवल्स थ्री। ये आर वन एंड आर वन बाय का एंट्री लेवल है, रिस वन सेल का एंट्री लेवल है, ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकता है। और बोलिंजर बैंड का मिड बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकता है, कहाँ पे आएगा उसमें भी आप लोग ट्रेड एंट्री ले सकता है। प्राइस चैनल का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, अभी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। और इसमें जो टीरन लेवल है इसका टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन का भी आप लोग नोट कर सकता है, ये भी इसके थ्रू में भी आप लोग सेल का बाय सेल का एंट्री ले सकता है। इसके बाद भाई मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, जो आप लोग को स्टॉक लाइव मार्केट में फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी मैंने फिबोनाची का लेवल मैंने पहले ही दिखा दिया था जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन दिया था, चार्ट का एनालिसिस दिया था।
निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस मैंने जब दिया था, और इसका वाई लेवल सेल लेवल 1 आप लोग देख सकते हैं, और इसका 2 भी देख सकता है, 3 भी देख सकता है, पिवट पॉइंट भी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सब मिला के भी आप लोग जो लोग ऑनली निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है, सब मिला के भी देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है, क्योंकि तब आप लोग को पता चल जाएगा कि इधर इसको मतलब कौन साइड में कौन से जा सकता है। 81 लेवल, उसके बाद कमोडिटी का दिखाता हूँ, कमोडिटी का वैसल लेवल 1, इसके बाद वैसल लेवल 2, हर एक वैसल लेवल एक्चुअली कौन सा लेवल पे है वो भी दिखाया हूँ। और आप लोग इधर से जब स्क्रॉल करता हूँ आप लोग को देख सकता है इसमें क्या क्या है, वो भी आप लोग को देख सकते हैं। सॉरी, इसका थ्रू में आप लोग मतलब स्क्रीनिंग कर सकता है, इसमें पीछे भी और भी है, ये सब चीज़ भी आप लोग देख सकता है। 12:26 का क्रॉस ओवर दिया है, 5:30 का क्रॉस ओवर दिया है, पीवीएस रेंज ब्रेकआउट दिया हुआ है। एनी वे, उसके बाद मैंने आप लोग को जब आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होगा तो व्हाट्सएप में आप लोग को पूरा फाइल मिल जाएगा, या आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, तो आप लोग को पता चल जाएगा इसमें कैसे आप लोग यूज़ कर सकता है, कैसे आप लोग काम पे आ सकता है। आप लोग को फ्री स्किनार या बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ वाई लेवल सेल लेवल इतना सारा वाई लेवल सेल लेवल और इतना फीचर्स आप लोग को मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके बाद मैंने फीचर्स का कुछ लेवल दिखा देता हूँ। इसके बाद मैंने 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी है कि जिस जिस आया कैंडल का आज का जिस जिस स्टॉक का आज का कैंडल जी आज का कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज क्रॉस काट किया है, और उसका हाई लो जब कल ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो देखिए इधर हमारा जो बैटरी में काट किया है, आप लोग भी कुछ चार्ट में चेक कर सकते हैं। इधर देखिए हमारा जो बैटरी को काट किया है, इसका हाई या लो जब तोड़ेगा, कोई भी आप हाई भी तोड़ सकता है, लो भी तोड़ सकता है, तो अच्छा मोमेंट मिलता है। उसके बाद देखिए एक्सिस बैंक में, ये आप लोग देख सकते हैं इधर से, कौन इधर एक्सिस बैंक में, मैंने सभी में चार्ट में नहीं दिखा पाऊँगा, आप लोग भी खुद चेक कर सकता है। इधर देखिए एक्सिस बैंक में काट किया है, और बाटा इंडिया और सेंचुरी टेक्स, बाटा इंडिया सेंचुरी टेक्स, सॉरी सेंचुरी टेक्स में थोड़ा सा नीचे की चला गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसके बाद मैंने इंसेंट बार, सॉरी मैंने इस बार और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ, यह जीएमएम स्ट्रेटजी। तो इसमें शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, ये ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और ये ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, तो इसका एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, जो जिसमें जिस जिस स्टॉक्स में ये एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब अप ट्रेंड में है तो ऊपर जो क्रॉसिंग दिया हूँ मैंने, तो ये दोनों का क्रॉसिंग का जो दिखाता है, ये देखिए ये ओम्बुजा सेम, अपोलो हॉस्पिटल, ये बजाज फिनांस, ये बजाज फिनस बजाज फिनांस, और इधर टू साइड में ACC, ये सब डाउन साइड में, ये भी आप लोग को काम पे आएगा। तो इसके बाद मैंने इंसेंट दबार पूरे नक्सवें दिखाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को जो लोग पता है तो आप लोग को मालूम है। तो देखिए एनआरपुर नक्सवें का केस में, जो जिस स्टॉक NF4NF7 का करंट कैंडल को आप लोग को करंट कैंडल का हाई लो ब्रेक होने के बाद आप लोग को ट्रेड लेना है, जब ये इसका जो NF4NF7 का मतलब है कि
पिछले जो 6 कैंडल है, आज का कैंडल छोड़ के पिछले जो 6 कैंडल है उसका हाई लो का जो डिफरेंस है वो आज का जो कैंडल का डिफरेंस